हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Disneyplus हॉटस्टार की मूवी हम दो हमारे दो को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम दो हमारे दो ये मूवी आज ही Disneyplus हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है ध्रुव और आनिया नाम के कपल की, जो कि काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है। और आनिया एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसकी अपनी एक फैमिली हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ध्रुव की कोई फैमिली नहीं होती है। तो किस तरह से ध्रुव अपनी एक फैमिली जुगाड़ता है और उसके कारण उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ब्लेवरेज लगा है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताने की कोशिश करती है कि ध्रुव की लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम है और उसे इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए किस तरह के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, वो सब इतना अच्छा नहीं है कि हमारा स्टार्टिंग में इस मूवी के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन बन पाए। और फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, वो सब भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। ऑल दो ये सारी सिचुएशन हमें हंसाने के लिए लिखी गई हैं, लेकिन हमें लगभग कहीं भी हंसी नहीं आती है। कुछ मोमेंट्स में हम ज़ोर ज़ोर से ज़रूर हंसते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी मूवी में हम नॉर्मली बैठे रहते हैं, जिसके कारण ये सारे मोमेंट्स हम पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं जिस तरह का इन्हें छोड़ना चाहिए था। और फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि लगभग सारे ट्विस्ट काफ़ी प्रेडिक्टेबल रहते हैं। और अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो आप इस मूवी की हर एक चीज़ को काफ़ी आसानी से गेस करते चले जाओगे, जिसके कारण आप किसी भी मोमेंट पे इस मूवी में पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं रहोगे। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स की, तो किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया कि हम उसके साथ पूरी तरह से इन्वेस्ट हो पाएँ, लेकिन जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स थे वो मुझे ठीक ठाक ही लगे। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन अच्छा डेफिनेटली है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का काफ़ी बेहतर हो सकता था, क्योंकि डायरेक्टर एक कॉमेडी मूवी बनाने में फेल हुए हैं। और जो एडिटिंग थी वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मूवी 2 घंटे से ज़्यादा की है, जिसे 2 घंटे से कम का होना चाहिए था। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक बिलो एवरेज मूवी है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद आती हैं और उन्होंने ज़्यादा कॉमेडी मूवीज़ नहीं देखी हैं, तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन एक प्रो ऑडियंस को मुझे तो नहीं लगता कि ये मूवी कुछ खास पसंद आने वाली है। तो आपको ये मूवी देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।